चौरंगी पर होने वाले वाकये ने अजादारान को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की हुकूमती दावों की कलाई खोल दी है। यकुम मुहर्रम को नुमाइश चौरंगी पर एक ऐसे वक्त में यह वाकया पेश आया कि जब नेशनल पार्क में मरकजी अशरे की पहली मजलिस हो रही थी। इस वक्त इस इलाके में सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है, ऐसे में एक कलदम जमात को रैली की इजाज़त देना समझ से बाहर है। न सिर्फ ये कि इस जमात को रैली की इजाज़त दी गई बल्कि इस वक्त सिक्योरिटी के भी मुनासिब इंतजाम नहीं किए गए थे। हुर्रियत न्यूज़ को वाकई की सीसीटीवी फुटेज मौसूल हो गई है। फुटेज में वाज़ेह तौर से देखा जा सकता है कि एक सबील के पास कालादम जमात की रैली के शुरका रैली से वापसी पर स्काउट्स के रजाकारों से उस जगह उलझ रहे हैं कि जो रास्ता मजलिस की जानिब जा रहा है। इतने में शरपसंदों की जानिब से फायरिंग की जाती है और स्काउट्स के दो रजाकार शहीद हो जाते हैं। फुटेज में शरपसंद फायरिंग करके मस्जिद में पनाह लेने के लिए भागते हुए भी वाज़ह तौर से देखे जा सकते हैं। अब इधर देखिए, ये रेंजर्स के अहलकार हैं जो उन शरपसंद अनासिर को गिरफ्तार करने से गुरेजा नजर आते हैं। न सिर्फ गुरेजा नजर आते हैं बल्कि यूं मालूम होता है कि जैसे ये उनकी हिफाजत कर रहे हों, जिनकी पुश्त पर वाज़ह तौर से शरपसंद अनासिर को देखा जा सकता है। रेंजर्स के इन जवानों का प्रोफेशनलिज्म देखते हैं। ये जवान जो पोजीशन लिए गोलियां बरसा रहे हैं, ये उन शरपसंदों पर नहीं बल्कि उस दहशतगर्दी के वाकये के खिलाफ एहतजाज करने वाले अजादारों पर अपनी महारत का मुजाहरा कर रहे हैं। इन फुटेजेस को देखने के बाद ये कहना कतन गलत ना होगा कि न सिर्फ ये कि यह हादसा सिक्योरिटी फेलियर है बल्कि सरफराज शाह के वाकये के बाद इस हादसे ने एक मरतबा फिर रेंजर्स एहलकारों की कारकर्दगी पर बहुत से सवालात को जन्म दे दिया है, जिसका सही और मुनासिब जवाब जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की सूरत में ही दिया जा सकता है।